तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे सबके फेवरेट एलेक्स फेरेरा के बारे में। आपने मेरा पुराना वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मैंने बताया था कि यार कि एलेक्स किस तरह से मतलब जीता है और क्या मतलब कमाल का ही एथलीट है यार वो। कई लोग होते हैं मेड फॉर मिक्स मार्शल आर्ट्स, तो वो फाइटिंग के लिए वो एथलीट बना है। उसकी हाइट, उसका लीन बॉडी मसल मास और उसकी जो रेंज है, तो वो सब एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर के जेनेटिक्स के बराबर है। और उसने उसका सही यूज़ किया लाइफ में और उसने वो अचीव कर भी लिया। सो आज हम बात करेंगे भाई एलेक्स को क्या क्या इश्यूज आए थे। अगर हमने एलेक्स की फाइट आपने ध्यान से देखी हो तो आपको पता होगा कि भाई एलेक्स जो थे इतना ज़्यादा मतलब हाई लेवल कम्पीट नहीं कर पाए। मतलब जैसा हमने सोचा था वैसी परफॉर्मेंस एलेक्स की नहीं आ पाई। उसका कारण क्या था? सो पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस में एलेक्स ने बताया कि सबसे पहले तो वो बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। मतलब उनका जो बीमारी थी, वो सिकनेस थी, जो बुखार था, वो एंटीबायोटिक्स ले रहे थे। एंटीबायोटिक्स लेने से पहले ही शरीर जो है वो रिकवरी फेज में होता है, वो टोटली रिकवर नहीं होता, ठीक है? तो फाइट के अंदर उसका फ़र्क पड़ता है। हमने भी देखा फाइट के अंदर एलेक्स जो थे वो कफ कर रहे थे, खांस रहे थे राउंड्स के बीच में जब रेस्ट हो रही थी। सो एलेक्स को ये इशू था। सो अगला इशू एलेक्स बताते हैं भाई उनका वीज़ा। जैसे कि हमको पता है कि एलेक्स जो है वो मतलब प्रोफेशनल यूएफसी फाइटर हैं, तो उन्होंने ट्रैवल बहुत सारी कंट्रीज में करना होता है, तो वीज़ा देना यूएफसी के हाथ में नहीं है। सो वीज़ा देना जो है वो अमेरिकन जो एजेंसीज हैं उनके हाथ में था। तो उनका जो मैच था वो था साल्ट लेक सिटी में और वो यूएसए के अंदर ही है। तो भाई आपको पता ही है कि अमेरिका में वीज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है। एलेक्स को तो चलो खैर वो यूएफसी के अंडर हैं तो उनको फाइट के लिए वीज़ा मिल ही जाता है। सो अगली जो एलेक्स ने बात बताई थी कि भाई उनका टो इंजर्ड था, तो टो इंजरी एलेक्स को कब आई थी? जब उन्होंने जीरी के साथ मैच लगाया था और हेड किक लगाई थी और उन्होंने हाथ से पकड़ के ही उसको सेट कर दिया था। सो वहाँ से एलेक्स की जो है टो वाली इंजरी वो आ जाती है, तो उसी से रिकवर होके एलेक्स ने ये फाइट करी और एलेक्स बहुत अच्छी तरह जीते भी। ये जो कमरा है ये मेरा हॉस्टल का कमरा है और वहीं पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगली न्यूज़ की हम बात करते हैं तो भाई बॉक्सिंग मैच। देखिए मैं पर्सनली बॉक्सिंग इतनी ज़्यादा डीप नहीं देखता जितना यूएफसी को फॉलो करता हूँ, लेकिन बॉक्सिंग मैच होने वाला है भाई दो अनडिफिटेड चैम्पियंस के बीच में। आपको पता ही है मैं किन की बात कर रहा हूँ, आर्थर और बाइबल के बीच में। आर्थर ने भाई सारी फाइट्स नॉकआउट से जीती है, 19 की 19 फाइट्स नॉकआउट से जीती हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है बॉक्सिंग में, क्योंकि भाई यूएफसी में जो फिनिश करना होता है बंदे को वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि हाँ ज़्यादा तरीकों से हम फिनिश कर सकते हैं, लेकिन बॉक्सिंग में टेक्निकल नॉकआउट और नॉकआउट ये दो ही चीज़ें होती हैं। और नॉकआउट करना एक बंदे को बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी पावर चाहिए, एक स्ट्रेंथ और जो कहते हैं पावर बहुत ज़्यादा चाहिए आदमी को, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, तो स्ट्रेंथ एक अलग लेवल पे होनी चाहिए नॉकआउट करने के लिए। एक अच्छे खासे इंसान को, एक आम इंसान को भी नॉकआउट करने के लिए एक अच्छी पावर चाहिए होती है। और आर्थर ने सारी फाइट्स 19 की 19 फाइट्स में अपने ओपोनेंट्स को, जो कि वो भी प्रोफेशनल बॉक्सर थे, उनको भी नॉकआउट किया है। तो भाई उनका तो इंट्रोडक्शन ही कमाल का है, आपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा ही होगा। सो जिनसे वो लड़ रहे हैं, सो उनका इंट्रोडक्शन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। वो है बाइबल, जिन्होंने कनेलो को हरा दिया था, सबसे बड़ी अपसेट दे दी थी। आपको पता है कनेलो के बारे में, वो बॉक्सिंग के एक लेजेंड कह सकते हैं स्टेज पे आके, लेकिन बाइबल ने उनको हरा दिया था। तो आप समझ सकते हैं बाइबल का क्या लेवल है, बचपन से ही उन्होंने शुरू कर दी थी। और दोनों ही फाइटर अनडिफिटेड हैं, अनडिफिटेड। सो ये जो वन है ये किसी को मिलने वाला है और सारी उम्र याद रखने वाला है वो बंदा, कि भाई मैं हारा था, लेकिन हार जीत एक गेम का पार्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंटेंसिटी होगी
वो बहुत कमाल की होगी। सो वो वाइट भी होगी 12 अक्टूबर को, और वो भी मैं देखूंगा और आपको ब्रेकडाउन करके बताऊंगा कि भाई कैसी थी फाइट। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी वीडियोस आ नहीं रही हैं क्योंकि थोड़ा सा इंजरी भी आई हुई है। अभी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो कहते हैं मेरा अप डाउन वाला मतलब सीन चल रहा है, घर से आना, यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी लगाना ना लगाना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें फिलहाल लाइफ में मिक्सअप हो रही हैं। लेकिन वीडियोस आगे आएंगी और जल्दी ही आएंगी, और मैं अगर टाइम पे ठीक हो गया तो बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगी। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी।